बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल अदल भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट वन का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर अर्थमेटिक सीरीज की एन टर्म्स को सम करने का मेथड क्या है वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अंदर nth टर्म जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ साथ व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है जिससे हम आज के लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन। स्टेटमेंट देखें ज़रा इसकी। स्टेटमेंट ये है, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स का सम निकालना है। कैसे इंटीजर्स का सम निकालना है? इन द फर्स्ट 1000, एक से लेकर 1000 तक हमारे पास इंटीजर हैं, उनमें से कुछ इंटीजर्स का हमने सम निकालना है। ऐसे इंटीजर जो के ना ही 5 पर तकसीम होते हैं ना ही 2 पर, विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर 2। तो 1 से लेके 1000 तक ऐसे नंबरों का सम निकालना है जो ना ही 5 के ऊपर डिवाइड होते हों ना ही 2 के ऊपर डिवाइड होते हों। वो नंबर कौन से होंगे, आइए देखते हैं। द नंबर, द इंटीजर्स का लफ्ज यूज करें, द इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल by 5 nor 2 in the first 1000 integers are, integers are, ये देखिए जी, अब 1 जो है ये ना ही 2 पर डिवाइड होता है ना ही 5 पर, आगे 2 ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, फिर 3 आएगा, ये देखिए यहां पे लिख कर रख लें बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। अब देखें, जो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं उनको छोड़ देना है, और जो 5 पर डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 5 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 5 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 5 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो जो 2 पर और 5 पर डिवाइड हो रहे हैं उनके अलावा जो बाकी बचते हैं उनका सम निकालना है। तो वो कौन कौन से आते हैं? 1 + 3, 3 के बाद 7 और 7 के बाद 9। 1 + 3 + 7 + 9 + आगे फिर क्या आता है? 11 13 17, 11 13 17 19, आगे फिर आ जाएगा 21 23 24, भी नहीं आएगा 5 6 7 8 9, 27 आ जाएगा, 29, सो ऑन। अब देखना है कि इनकी तादाद कितनी होगी। अब ये देखिए जरा, ये पॉइंट बड़ा गौर तलब है कि पहले 10 इंटीजर्स में से, पहले 10 इंटीजर में से, ये जो पहले 10 इंटीजर हैं इनमें से सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं जो ना 2 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। इसका मतलब है कि 10 में से 4 नंबर ऐसे हैं जो ना 2 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ गया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40। इसका मतलब है कि 100 में से 40 नंबर ऐसे होंगे
जो ना दो पर डिवाइड होते हैं ना पांच पर डिवाइड होते हैं। तो 1000 में फिर कितने होंगे, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 400। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक से लेकर 1000 तक 400 इंटीजर्स ऐसे हैं जो ना 2 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। तो इसलिए इनकी तादाद कितनी होगी, प्लस 400 टर्न्स। अब आगे क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट है एक लॉन्ग कट है। अब ये देखें, ये तकरीबन इधर 1 है, 1375, तो इधर भी देखेंगे 11, यहाँ पे 1, इसका दूसरा जो है एलिमेंट 3 है, 7 है, 9 है, इसका भी पहला दूसरा एलिमेंट 1 3 7 9। तो आप ऐसे करें जिसमें 1 1 आता है, ठीक है, उनको इकट्ठा कर लें, 3 वालों को इकट्ठा कर लें, 7 वालों को इकट्ठा कर लें, 9 वालों को इकट्ठा कर लें, 4 सीरीज बनेगी। 4 सीरीज का अलग-अलग सम निकाल के उनको ऐड कर दें, ठीक है, बट दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। अक्सर औकात बेशतर आप डिफरेंट किस्म की कीज देखेंगे, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया गया है, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज़ अ शॉर्टकट मेथड। अब वो देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा वो शॉर्टकट मेथड क्या है। अब ये देखें, यहाँ पे 400 टर्म्स है, मैं 4 4 को इकट्ठा कर लेता हूँ। ये पहली 4 को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद दूसरी जो अगली 4 हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लिया, फिर उससे अगली जो 4 टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इनको जब मैंने इकट्ठा कर लिया, चले एक स्टेप और कर लेते हैं, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देखिए जरा, 1 3, ये 4 टर्मों की जगह पे मैंने इसको एक टर्म कंसिडर कर लिया, ये एक टर्म बन गई, उससे अगली 4 जो है ये दूसरी टर्म बन गई। 13 प्लस 17 प्लस 19, उससे अगली जो है वो फिर जो 4 टर्म्स हैं उनको मैंने इकट्ठा कर दिया, 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29। अभी तक तो इनकी तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 400 टर्म्स ही होंगी, राइट। अब इसको जरा जमा करें, 9 7s are 16 plus 19 19 plus 1, योर आंसर इज 20, प्लस 19 में 17 जमा किए तो जवाब क्या आता है, 30 में 10 जमा किए 13 जमा किए तो 43। ये तो थोड़ी सी गड़बड़ लग गई है, क्योंकि मुझे इसका आंसर आना चाहिए 30। ये देखें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 30 आएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं आंसर 30, तो 30 प्लस 30, योर आंसर इज 60। अब इनको, इन फोर्स को जब आप ऐड करते हैं, इन चारों को ऐड करेंगे, यू विल सी दैट योर आंसर इज 100। अरे वाह, ये क्या हो गया भाई, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्में थी, तो 12 टर्म्स की बजाय कितनी टर्म बाकी बच गई, 1 2 3, सिर्फ 3 टर्में रह गई, यानी इसको 4 पर तकसीम किया तो ये जवाब आ गया। अगर 16 टर्में होती तो कितनी रह जाती, 4 टर्म्स रह जाती। अगर 20 टर्म होती तो कितनी रह जाती, 5 टर्म्स रह जाती, एंड सो ऑन। अगर 400 टर्म्स होंगी तो कितनी टर्म्स रह जाएंगी, 100 टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इनकी तादाद कितनी रह गई, 100 टर्म्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है ये अर्थमेटिक नहीं थी। ये देखें, 3 प्लस 1, इसमें से एक निकाला तो बाकी क्या रह गया, 2। 7 में से 3 निकाला, बाकी रह गया 2। उसके बाद 9 में से 3 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 2। 7 में से 3 निकाला, बाकी रह गया 4। 9 में से 7 निकाला, बाकी रह गया 2। ये 2, ये 4, कभी 2 का डिफरेंस आ रहा है, कभी 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं थी। अब देखें, ये अर्थमेटिक बन गई है, इसमें 40 जमा किए 60 आ गया, इसमें 40 जमा किए 100 आ गया। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 20। डी किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, योर आंसर इज 40। और टर्म्स की तादाद कितनी है,
व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू, एन हमारे पास है 100 के बराबर, और फार्मूला जो कि हम यहां पे यूज करेंगे वो किसके बराबर होगा, यूजिंग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चूंकि 100 टर्म्स का सम निकालना है तो एस की जगह पे एन की जगह पे 100 आने वाला है, 100 डिवाइडेड बाई टू, टू इंटू फर्स्ट टर्म हमारी है 20 प्लस एन हमारे पास है 100 माइनस वन इंटू डी हमारे पास है 40। अब आगे सिर्फ और सिर्फ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहां पे आ गया ये 50 40 प्लस, अब 99 को जरा 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 99 मल्टीप्लाई बाय 40 3960। इसके अंदर जब हम 40 ऐड करेंगे, जब 40 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 4000। तो 4000 को जब हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 सिफर ये वाले आ गए और ये 20, 2 लाख आंसर आएगा। तो इन नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 2 लाख। ये है जी आपका आंसर। तो 1 से लेकर 1000 तक ऐसे नंबर जो ना 2 पर तकसीम होते हैं ना 5 पर तकसीम होते हैं, उनका सम किसके बराबर आएगा, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, S8 एंड S9 आर द सम ऑफ फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म। ये 8 टर्मों का सम है और ये 9 टर्मों का सम है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड S9। S9 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर S9 किसके बराबर होगा, Sn का फार्मूला तो होता है ना n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चूंकि हमने S9 मालूम करना है तो S9 का फार्मूला होगा 9/2 इंटू टू ए प्लस 9-1 इंटू डी। यहां पे देखें, अगर मुझे a और d का पता चल जाए, अगर a और d मैं किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूं तो ये मेरा मसला सॉल्व हो सकता है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसके अंदर से मैंने a और d निकालना है। a तो गिवन द स्टेटमेंट वो किसके बराबर है, a के बराबर, a1 और a सेम चीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज अगर मुझे मिल जाए d, विच इज अ कॉमन डिफरेंस, तो फिर जो है मैं मेरा मसला जो है ये सॉल्व हो सकता है, राइट? तो जो कुछ गिवन है इससे मैं d निकालने की कोशिश करता हूं। गिवन, गिवन क्या है मुझे, 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8, राइट? अब S9 का फॉर्मूला क्या है, यूजिंग SN इज इक्वल टू बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो ये बनेगा 50 इंटू S9 है तो ये 9/2 आ जाएगा। इसकी जगह मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं S9, ठीक है, N/2 इंटू 2A प्लस 9-1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये 63 आ गया, 63 चूंकि S8 है, अब S8 के ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा, ये देखिए ये S9 है, ये इतना S9 है, अब S8 किसके बराबर आ जाएगा, 8/2 इंटू 2A प्लस 8-1 इंटू डी। यहां से मेरी कोशिश होगी कि मैं d को कैलकुलेट कर सकूं, बट a किसके बराबर है, a1 इज इक्वल टू a, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट इट इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए 2 को 25 के साथ मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 25 इंटू 9
टू इंटू, एक जगह पे मैंने पुट कर दिया टू प्लस नाइन माइनस वन, योर आंसर इज 18 इज इक्वल टू, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो कटने के बाद जस्ट 4 रह गया और ब्रैकेट के अंदर 2a। ओहो प्यारी खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, एक ही वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 की शक्ल में प्लस 7d। नाउ दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। 25 को जरा 9 से जरा दें तो ये आ जाएगा 225, 9 5 45 असल 4 ठीक हो गया जी, ये आ गया 4 plus 8d इज इक्वल टू 63, 4 3 12 हासिल 6 4 24 1 5, ये आ गया 4 plus 7d। अरे भैया अब क्या करेंगे भाई, ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई भाई, ठीक है इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन की है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 900, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1800, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1008, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1764d। अब d वाली रकमों को एक तरफ, बाकी रकमों को एक तरफ, 36d इज इक्वल टू 102, तो d किसके बराबर आया, d इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 36, योर आंसर इज जस्ट 3। तो d आपने निकाल लिया, किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, मुझे डी ही की जरूरत थी, ठीक है। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, एस नाइन इज टू बी कैलकुलेटेड, एस नाइन का फॉर्मूला है 9 by 2 into 2a plus 9 minus 1 into d। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर a और d की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास एस नाइन निकल आएगा। This is further equal to S9 is equal to 9 by 2 into 2 into एक जगह पे आ गया 2 plus 9 में से एक निकाला बाकी रह गया 8, D की जगह पे आ गया 3, तो 9 divided by 2 ये आ गया 4 plus 8 24 24 4 28, 28 इसको इससे डिवाइड किया तो 14 आ गया, 14 9 126 126, ये किसकी वैल्यू निकलाई, S9 की वैल्यू निकलाई। राइट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, वेरी इंटरेस्टिंग वन। हमें दो चीजें गिवन है, एक तो सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी S9 की वैल्यू हमारे पास है 171, यानी कोई अर्थमेटिक सीरीज है उसकी पहली 9 टर्मों को जमा करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, 171 के बराबर, और उसकी आठवीं टर्म जो है वो 31 के बराबर है। तो कहता है बताएं सीरीज क्या होगी। एक बात आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, वो जो जहन में बिठाने वाली बात है वो क्या है कि जब भी आपको ये कहा जाए कि अर्थमेटिक सीरीज निकालें तो आपके पास दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, नंबर एक आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, नंबर दो आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप इजीली जो है वो अर्थमेटिक सीरीज निकाल सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ किया कि अगर मेरे पास a है 1 के बराबर, d है 2 के बराबर, तो a पहली टर्म आ गई, उसके बाद 1 में 2 ऐड करूँगा दूसरी टर्म आ जाएगी, फिर 3 में 2 ऐड करूँगा तो अगली टर्म आ जाएगी, 2 ऐड करता जाऊँगा तो अगली टर्म आ जाएगी। तो फर्ज़ साबित हुआ कि जब हमने अर्थमेटिक सीरीज निकालनी है तो हमें दो चीज़ों की अच्छा ज़रूरत पड़ती है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अब हमने गिवन स्टेटमेंट से ये दोनों चीजें जो हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। आइए देखते हैं, गिवन दैट एस नाइन यानी 9 टर्म्स का सम जो है वो किसके बराबर है, 171 के बराबर, और एस नाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ये यूजिंग दिस फॉर्मूला Using Sn बराबर होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों,
एस नाइन किसके बराबर आ जाएगा, एन की जगह पे नाइन पुट करेंगे, एस नाइन इज इक्वल टू नाइन बाई टू इंटू टू ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी। बट एस नाइन किसके बराबर है, बट एस नाइन इज इक्वल टू 171। तो फिर मैं एस नाइन की जगह पे क्या पुट करूंगा, 171। तो ये आ गया 171 इज इक्वल टू 9 बाई टू इंटू टू ए, नौ में से एक गया बाकी रह गया 8 डी। ठीक। अब दो तरीके हैं, एक तो यहां से 2 कॉमन निकाल लें या इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आया a प्लस 4d। 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। यू विल गेट 9 इंटू ए प्लस 4d। दिस इज फर्दर इक्वल टू 9a प्लस 9 4 36d। अपुन इसका नाम क्या रखेगा, अपुन इसका नाम रखेगा नंबर 1। दिस इज नंबर 1। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है, उसके बाद यह भी तो गिवन है कि 8वीं टर्म किसके बराबर है, 8वीं टर्म 31 के बराबर है। तो 8th टर्म गिवन, 8वीं टर्म किसके बराबर, 31 के बराबर। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखें कि हमने सीरीज निकालनी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। एन की जगह पे जब अपन ए पुट करेगा तो ये आ जाएगा ए एट इज इक्वल टू ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी। अब ए एट किसके बराबर है, बट ए एट इज इक्वल टू 31। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 31। 31 इज इक्वल टू ए प्लस 7d। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 2 है। अब इन दोनों को 1 और 2 को सॉल्व करके हम a और d जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि यहां से एक ही कीवन निकाल के उसके अंदर पुट कर दें। फ्रॉम टू, ए को एक तरफ रखें, ये डी उधर चला जाएगा, 31 माइनस 7d आ जाएगा। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 3। इसको पुट कर दें इन 1, पुट इन 1, वहां से मुझे डी मिलने वाला है 171 इज इक्वल टू 9, एक जगह पे क्या आया 31 माइनस 7d प्लस 36d। दिस इज फर्दर इक्वल टू 279 बन गया ये, माइनस 63d बनेगा ये प्लस 36d। 171 में से मैंने 279 माइनस किए, इधर मैं 63 में से 36 निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5 उधर चला गया, एक उधर चला गया, यहाँ पर रह गया 5, 27 रह गया इधर, माइनस 27d। अब 279 में से जब मैं 171 निकालूंगा तो 108 आ जाएगा, यस 108 इज इक्वल टू माइनस 27 इंटू डी। अब 108 को जब 27 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 4।
अरे वाह, हमने डी कैलकुलेट कर लिया भाई। अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए निकालने के लिए इसको 3 के अंदर पुट करेंगे। अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी, ये बड़ी रकम है इसके साथ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस एफ इशू होने के बाद डी की वैल्यू 4। इसको चूक कर कहां पुट करने वाले हैं हम, पुट इन 3 में पुट किया तो ए बराबर आ गया 31 माइनस 7 इंटू 4, तो 31 में से 28 निकाल दिए, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3। इतना ही मसला था जेंटलमैन, हमें ए कैलकुलेट करना था और डी कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब अर्थमेटिक सीरीज निकालना नो प्रॉब्लम फॉर अस, बल्कि अब आपने किसी 10 टर्मों का सम निकालना हो, 11 टर्मों का सम निकालना हो, 50 टर्मों का सम निकालना हो, तो भी आप निकाल सकते हैं। ए वन किसके बराबर आया, ए वन इज इक्वल टू 3। अब ए टू किसके बराबर होगा, पिछली वाली जो रकम है उसमें डी को जमा कर देंगे। अब ए थ्री किसके बराबर आएगा, इससे जो पिछली वाली रकम होगी उसके अंदर डी ऐड कर देंगे, काफी है इतनी। ए फोर किसके बराबर होगा, पिछली वाली रकम में डी जमा कर देंगे, एंड सो ऑन। देयरफॉर सीरीज इज पहली टर्म क्या आई आपके पास, 3, फिर 7, फिर 11 प्लस 15। लो जी, यही है वो रिक्वायर्ड सीरीज जो आपने कैलकुलेट कर ली थी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो रियली थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इन्वाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।